हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4, अपशिष्ट जल कारण व निपटान। ठीक है, पाठ नंबर 3 हमने कौन सा पढ़ा था, किसी को याद है? पाठ नंबर 3 कौन सा पढ़ा था हमने? तीन हमने पढ़ा था जल के स्रोतों के बारे में। जल्दी से आपको एक बात दिखाता हूँ, ये देखा आपने, जल एक अनमोल संसाधन, ये हमने पढ़ा था पाठ नंबर 3 में। और हमने पढ़ा था कि हमारी धरती पर किस किस तरह का पानी पाया जाता है। सतही जल होता है जो कि नदियों तालाबों में होता है, तो उसके बाद धरती के नीचे पानी होता है और हवा भाप के रूप में पानी होता है जो कि बारिश के नीचे होता है। ये सब हमने पढ़ा था इस पाठ में। ठीक है, तो इस पाठ में हमने पढ़ा था जल के स्रोतों के बारे में। अब ये जो अगला पाठ है ये भी पानी के बारे में ही है, ये है लेकिन वो पानी जो कि गंदा हो जाता है, अपशिष्ट जल। आपने देखा होगा कि आपके घरों से, आपके स्कूल से, आपके आसपास जो होटल होते हैं, अस्पताल होते हैं, या फिर फैक्ट्री होती है, उद्योग होते हैं, उनसे बहुत सारा गंदा पानी निकलता है जो कि छोटी छोटी नालियों के द्वारा बहता हुआ निकलता है और बड़े नालों में जाके मिल जाता है, या एक बड़े गंदे तालाब में जाके मिल जाता है। आपके गांव में है ऐसी कोई जगह जहां पे गंदा पानी जाता है? पता है आप लोगों को कहाँ जाता है, क्या बोलते हैं उस जगह को, क्या नाम है उस तालाब का या उस जगह का? नदी नदी में जाता है। तो ये जो गंदा पानी आपके घर की नालियों से निकलता है, या स्कूल की नाली से निकलता है, या फिर फैक्ट्री से निकलता है, इस गंदे पानी को अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये अपशिष्ट जल ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये गंदा पानी है, तो ये बहुत सारी दिक्कत करता है। और इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि अपशिष्ट जल के अंदर क्या-क्या चीजें हैं जो हमारे लिए या हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती, और हम हमें इन चीजों का क्या उपचार करना चाहिए, हमें इस अपशिष्ट जल के साथ क्या करना चाहिए, कहाँ इसे भेजना चाहिए, कहाँ नहीं भेजना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पानी की जरूरत होती क्यों है। जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, वो पानी साफ होना चाहिए। अगर हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, जिससे कि हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हमें पीने के लिए स्वच्छ और साफ जल की जरूरत होती है। तो एक आप एक एक करके मुझे बताएं कि इस साफ पानी का आप कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किस किस चीज में इसका उपयोग किया जाता है? एक तो मैंने आपको बता दिया है पीने के लिए, और आपको किस किस काम के लिए साफ पानी चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमने बताए, और इसके अलावा जानवरों के पीने के लिए भी साफ पानी चाहिए, पौधों में डालने के लिए साफ पानी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि हम जहां पर भी पानी का उपयोग करते हैं वो हम साफ पानी का उपयोग करते हैं, चाहे अपने लिए करें या
या फिर जानवरों के लिए करें या पौधों के लिए करें, क्योंकि अगर हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो हमें बीमारी होगी, अगर जानवर नहीं पिएंगे तो जानवरों को बीमारी होगी। तो मान लो आपकी गाय अगर साफ पानी नहीं पीती है या आपकी भैंस अगर साफ पानी नहीं पीती है तो हम उनका दूध का उपयोग करते हैं, तो जो पानी के अंदर जो कीटाणु होंगे, जो गंदगी होगी, वो गाय के अंदर जाएगी और वो उसके दूध में भी मिल जाएगी, और जब हम दूध पियेंगे तो वो हमारे अंदर भी आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप पौधों में गंदा पानी डालते हो, मान लो जहरीला पानी आप पौधों में डालते हो, तो वो जहर जो है, वो जो गंदगी जो है, वो पौधों के अंदर भी जाएगी, आपकी सब्जियों में जाएगी, और जब हम उनको खाएंगे तो हमारे अंदर भी आ जाएगी, जिससे हम फिर से बीमार हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो रोजमर्रा के जो काम है, ज्यादातर उन कामों के लिए हम साफ पानी का प्रयोग करते हैं। ये सब चीजें आप, ये जो क्रियाकलाप में खाली स्थान भरे हुए हैं, अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई, ये सब चीजें आप लोग इसमें भर लेंगे अपनी किताब के अंदर बाद में, ठीक है, कि हम साफ पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमें पीने के लिए साफ पानी चाहिए होता है, और पिछले पाठ में जल के स्रोतों के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि इस धरती पर 97% जगह समंदर है, मतलब कि वो पानी सारा खारा है जो कि नहीं पिया जा सकता। तो हमने एक उदाहरण भी लिया था कि अगर इस धरती के ऊपर एक बाल्टी पानी है पूरा, तो उस एक बाल्टी पानी में से सिर्फ आधा ग्लास पानी ही पीने लायक है, बाकी सारा पानी खारा है, ठीक है। और उस आधे ग्लास में से भी अगर आप 5 चम्मच निकाल दो तो वही आपके नदी और तालाबों में मिलता है, बाकी सारा पानी बर्फ जमा हुआ है पहाड़ों के ऊपर, हिमशिखरों के ऊपर। तो एक बाल्टी में से हमें सिर्फ 5 चम्मच पानी मिला पीने के लिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस धरती के ऊपर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पीने का पानी बहुत ही कम है। धरती के ऊपर साफ पानी बहुत ही कम है, और जब हम इस साफ पानी का प्रयोग अपने रोजमर्रा के कामों में करते हैं तो वो गंदा हो जाता है, वो अपशिष्ट हो जाता है, और वो गंदा होने के बाद नदियों नालों में बह जाता है। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, ये गंदा पानी बढ़ता जा रहा है और साफ पानी कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी को, साफ पानी को बचाने की जरूरत है, उसको बेकार ना करें। और जो गंदा पानी जो निकल रहा है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपचार करने होंगे कि उस गंदे पानी को भी हम इस्तेमाल कर सकें, या उस गंदे पानी को बाकी चीजों को प्रदूषित करने से हम बचा सकें, ठीक है। तो पूरा आज के समय में पूरा विश्व का संसार इस बारे में जानता है और अच्छे से समझता है कि पीने के लिए पानी बहुत ही कम है, और उसी चीज को सबको याद दिलाने के लिए 22 मार्च के दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, मतलब विश्व जल दिवस, 22 तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो के इस चीज को ज्यादा लोगों को जागरूक करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी बचाना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ उदाहरण दीजिए, हमने देखा है कि हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है, ठीक है, इस गंदे पानी वाहित जल कहते हैं, ठीक है, अपशिष्ट जल कहते हैं, और इसको वाहित जल भी कहते हैं। तो हमारे पास पीने के लिए कम पानी है, तो हमें ये जो गंदा पानी, ये जो अपशिष्ट जल
जो निकल रहा है इसको साफ करना पड़ेगा, ताकि हम इसको किसी न किसी काम में इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि अगर पानी साफ हो जाए तो उसको हम अपने घर को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पीने के लिए तो नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन ये सब काम करने के लिए हम इन सब इस साफ किए हुए पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि इस अपशिष्ट जल को, इस गंदे पानी को कैसे साफ किया जाए, इस अपशिष्ट जल को साफ करने के तरीके को वाहित मल उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वाहित मल उपचार कहते हैं। और जो गंदा पानी निकल रहा है उसको वाहित मल कहते हैं, मतलब जो गंदा, वाहित मतलब बहता हुआ, ठीक है, बहता हुआ मल जो कि पानी में मिलके बहता है वो वाहित मल कहलाता है, और इस गंदे पानी के उपचार को वाहित मल उपचार कहते हैं। ठीक है, तो आपने अपने घरों से देखा होगा नालियों में गंदा पानी निकलता है, ठीक है, ये वाहित मल निकलता है। घरों के अलावा और कौन कौन सी जगह से निकलता है, एक एक करके बताएं। फैक्ट्रियों से, ठीक है, और अस्पताल से, ठीक है, और होटल से, और नदियां से, और घर से, हाँ घर से, और चपाकल से, चपाकल से, कुआं से गंदा पानी नहीं निकलता है, और तालाब से या चापाकल से भी गंदा पानी नहीं निकलता है। वहां पे गंदा पानी लोग डाल देते हैं, लेकिन वहां पर पानी साफ होता है। तो जो सबसे मेन जगह है जहां से गंदा पानी निकलता है वो है हमारा घर है, स्कूल है, अस्पताल है, होटल है, फैक्ट्री है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर शौचालय होते हैं या फिर उनकी सफाई होती है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहाँ से जहाँ पर भी लोग रहते हैं गंदा पानी निकलता है। ये गंदा पानी तालाब में जाता है, आपके गांव में आपने बताया ये गंदा पानी आप नदी में, आपके यहाँ नदी में जाता है, कहीं कहीं ये गंदा पानी नालों में जाता है। तो अगर हम कुएं में गंदा पानी डालेंगे तो कुएं का सारा पानी गंदा हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो सारा पानी प्रदूषित हो जाएगा। अगर तालाब में आप गंदा पानी डालोगे तो तालाब में सारा पानी प्रदूषित हो जाएगा, नदी में डालोगे तो नदी का सारा पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन अक्सर यही किया जाता है कि इस गंदे पानी को या तो तालाब में डाल दिया जाता है, कुओं में डाल दिया जाता है, या फिर नदियों में डाल दिया जाता है। और जब हम लोग इस पानी को पीते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इनको सीधा नहीं डालना चाहिए। इसका उपचार करके, और जब ये पानी साफ हो जाए, एक गंदा पानी का अगर हम उपचार करें तो इसको साफ किया जा सकता है। और जब ये पानी साफ हो जाए, साफ होने के बाद इसको तालाब में, नदियों में या कुओं में या कहीं ऐसी जगह पर डालना चाहिए, ठीक है। तो ये जो गंदा पानी होता है, वाहित मल, जो अपशिष्ट जल होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ होते हैं जो कि इसको गंदा करते हैं। ये जो पदार्थ पानी को गंदा करते हैं उन पदार्थों को संदूषक कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? संदूषक, इधर लिखा हुआ है ना, ऐसे पदार्थों को संदूषक कहा जाता है। तो इस अपशिष्ट जल में अलग अलग तरह के संदूषक पदार्थ होते हैं, जैसे कि कुछ कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं। इन कार्बनिक अशुद्धियों के उदाहरण है मानव मल,
जो कि हमारे जो शौचालय से निकलता है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे अस्पतालों में दवाइयां इस्तेमाल होती हैं जो कि बहा दी जाती हैं, या केमिकल इस्तेमाल होते हैं उद्योगों के अंदर जो कि नालियों में बहा दिए जाते हैं, रसोई से तेल निकलता है जैसे हम खाना फेंक देते हैं या फिर हम तेल को फेंक देते हैं, यूरिया होता है जो कि शौचालय से निकलता है, फल और सब्जी कचरा आदि, ये सब चीजें जब पानी में मिली होती हैं इनको कार्बनिक अशुद्धि बोला जाता है। कुछ अशुद्धियां अकार्बनिक होती हैं जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट या धातुएं, ये उद्योगों से निकलते हुए गंदे पानी में होते हैं या फिर अस्पतालों से निकलते हुए गंदे पानी में ये सब होते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर भी कुछ पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व याद है आप लोगों के, पोषक तत्व तो हमें अच्छे रहते हैं, हमें चाहिए होते हैं, तो पानी के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वो पौधों के लिए अच्छे होते हैं। पौधों के लिए गंदा पानी अच्छा नहीं है, लेकिन गंदे पानी में भी कुछ चीज होती है जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजन पौधों को चाहिए होती है बड़ा होने के लिए, फॉस्फोरस पौधों को चाहिए होता है बड़ा होने के लिए, तो इसलिए आपने देखा होगा जो नदियों के आसपास या नालों के आसपास बहुत सारे पेड़ खड़े हो जाते हैं, कभी कभी नाले के अंदर बीच में भी पेड़ खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे खड़े हो जाते हैं, तो वो इस गंदे पानी में जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है उसको खींचते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी के अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जीवाणु वो जो कि अगर हम उनको पी जाएं तो हमें वो बीमार कर सकते हैं, जैसा कि हैजा के जीवाणु होते हैं पानी, गंदे पानी के अंदर, टाइफाइड के जीवाणु होते हैं, या और भी बहुत सारे रोग हैं जिनके जीवाणु पानी के अंदर होते हैं, इसीलिए गंदा पानी पीने से ही हैजा या टाइफाइड की बीमारी होती है। जो लोग साफ पानी पीते हैं उनको ये बीमारी अक्सर नहीं होती। इसके अलावा और भी छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे कि पेचिस करने वाला जीव, वो भी गंदे पानी में पाया जाता है। तो आपने देखा कि इस गंदे पानी में कितनी सारी अशुद्धियां हैं और ये हमें बहुत तरीके से नुकसान कर सकता है, और जब ये गंदा पानी जाके आपकी नदी में मिलेगा और अगर आप उसी नदी का पानी पियेंगे तो सोचिए आप इन सब गंदी चीजों का पानी पी रहे हैं, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। इसीलिए जब इस गंदे पानी को नदी में डाला जा रहा है आपके गांव के अंदर, नदी में डालने से पहले इस पानी का उपचार करना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा था वाहित मल उपचार, वो वाहित मल उपचार करना चाहिए उस अपशिष्ट जल का, ताकि उस पानी की गंदगियों को, इन अशुद्धियों को पहले ही खत्म कर दिया जाए, और जब ये अशुद्धियां खत्म हो जाएं, वो खत्म होने के बाद उस पानी को नदी के अंदर डाला जाए, उससे पहले नहीं डाला जाए, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए ये वाहित मल उपचार बहुत ही जरूरी है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये वाहित मल उपचार हमें कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको ये टेबल दिख रही है, इस टेबल में आप लोगों को ये भरना है कि जैसे कूड़ा करकट या फिर गंदा पानी, मलिन जल आपकी रसोई से निकलता है तो उसमें कौन कौन से संदूषक पदार्थ होते हैं। रसोई से निकलता तो क्या संदूषक पदार्थ होता है, उसमें फल के छिलके, सब्जियों के छिलके रहते हैं, बची हुई सब्जियां रहती हैं, तेल रहता है, ये सब निकलता है ना। तो रसोई से संदूषक पदार्थ निकलेंगे कार्बनिक संदूषक पदार्थ, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, कार्बनिक में निकला तेल रसोई से निकलता है, फल और सब्जी का कचरा आदि, ये सब रसोई से निकलता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को भरना है कि दुर्गंध युक्त अपशिष्ट जो कि शौचालय से निकलता है, इसमें भी कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं जैसे कि मल तथा मूत्र,
तो यहाँ पे मानव मल तथा यूरिया जो कि मूत्र के द्वारा होता है, तो ये कार्बनिक अशुद्धियाँ हमारे शौचालय से निकलती हैं। व्यवसायिक अपशिष्ट जो कि उद्योगों से निकलता है या अस्पतालों से भी आप बोल सकते हैं, उस व्यवसायिक अपशिष्ट में बहुत सारी कार्बनिक अशुद्धियाँ तो होती ही हैं जैसे जैविक अपशिष्ट पदार्थ, लेकिन साथ में बहुत सारी अकार्बनिक पोषक तत्व आदि ये भी अशुद्धियाँ होती हैं। और जब ये अशुद्धियाँ पानी में आती हैं तो उसके अंदर हैजा, टाइफाइड या फिर पेचिस के जीव और जीवाणु बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस टेबल को भरेंगे। तो हमने अभी तक बात करी थी कि कहां कहां से ये गंदा पानी निकलता है। उद्योगों से निकलता है, उद्योगों से निकलते हैं हानिकारक रासायनिक पदार्थ। हानिकारक रासायनिक पदार्थ मतलब जो हमने यहाँ पर पढ़ा, अकार्बनिक शुद्धियां या कार्बनिक अशुद्धियां या फिर पोषक तत्व जो हैं वो भी उद्योगों से निकलते हैं। होटल से निकलता है तेल, सब्जी के अवशेष, पका हुआ अनाज, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज इत्यादि, ये सब जो है वो होटल से निकलता है। अस्पताल से रासायनिक कचरा निकलता है, जैसे कि दवाइयां हो गई हैं पीने की, खाने की, बहुत सारे केमिकल्स जो अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं वो सब कचरा अस्पताल से निकलता है। घर से निकलता है शौचालय का कचरा, रसोई का कचरा, और शौचालय से मल निकलता है, वो अशुद्धियां अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। स्कूल से निकलता है, स्कूल को धोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं गंदा पानी वो, और शौचालय में जो मल निकलता है वो। ठीक है, तो आपने देखा जैसे आपके यहाँ भी हो रहा है, आपके गांव में आपके घरों से जो कचरा निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, स्कूलों से निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है, वो सब जाके नदी में मिल जाता है या फिर किसी कुएं वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, अब मान लो ये पानी नदी में मिल गया, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो नदियों के अंदर पानी होता है वो जमीन के नीचे धीरे धीरे रिसता है और धरती के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, पढ़ा था ना, याद है क्या बोलते थे उसको? हाँ बहुत सही, उसको बोलते थे अंतःस्पंदन। और जो पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भौम जल, याद है, भौम जल जो धरती के नीचे होता है। तो ये गंदा पानी जो आपकी नदियों में आ रहा है ये भी धीरे धीरे नीचे जमीन में रिसता जाएगा और जाके हमारा जो नीचे भौम जल है उसके साथ मिल जाएगा। तो अगर नदी का पानी गंदा है तो नीचे गंदा पानी जाएगा और नीचे के पानी को गंदा कर देगा। तो जब हम नलके से या ट्यूबवेल से या फिर कुएं से पानी निकालेंगे तो वो पानी गंदा निकलेगा और हम गंदे पानी को पिएंगे। तो इसीलिए अगर हम नदियों में, तालाबों में गंदा पानी डालते हैं तो धीरे धीरे जमीन के नीचे रिस के हमारे धरती के नीचे जो पानी है उसको भी गंदा कर देता है। ठीक है, तो ये था कि पानी की इतनी सारी अशुद्धियां हैं। हम ये पढ़ेंगे कि इन अशुद्धियों का उपचार क्या है, हम इस पानी को साफ कैसे कर सकते हैं, हम इस गंदगी से कैसे बच सकते हैं। तो पढ़ेंगे हम अपशिष्ट जल प्रबंधन, वाहित जल उपचार जो हम पढ़ रहे थे अभी तक हमने की थी उस बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि करते कैसे हैं। तो आपके यहाँ तो गांव में जैसे घरों के साथ नालियां है ना, उन नालियों से होता हुआ गंदा पानी आपके घरों से निकलता है, ऐसा ही है ना?
तो जैसे आपके यहाँ नालियाँ हैं, वैसे ही शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, और अगर नाली बनाएंगे तो गंदा पानी खुले में रहेगा। गंदा पानी खुले में रहने से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें मच्छर बनते हैं, बहुत सारी बीमारियां करते हैं। तो शहरों में ऐसी नालियां नहीं होती, जैसे आपके गांव में खुली नाली है, शहरों में वैसे नाली नहीं होती। शहरों में जमीन के नीचे बड़े बड़े पाइप दबा दिए जाते हैं। आप ये फोटो देख रहे हैं यहाँ पे 4.3, शहरों में धरती के नीचे ऐसे बड़े बड़े पाइप दबा दिए जाते हैं, एक गुफा के जैसा लगता है, बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं। और जैसे मेरा घर है, मेरे घर से एक छोटा पाइप इस बड़े पाइप में जाके मिल जाता है। मेरे घर से जो भी गंदा पानी निकलता है वो सीधा इन बड़े बड़े पाइपों में चला जाता है, जो कि जमीन के नीचे हैं, बाहर खुले में नहीं है। तो ये जो बड़े पाइप होते हैं इनको सीवर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो शहरों में सीवर धरती के नीचे दबे हुए होते हैं, और घरों से जो अपशिष्ट जल या अस्पतालों से जो अपशिष्ट जल निकलता है या फिर उद्योगों से निकलता है, कहीं से भी जो अपशिष्ट जल निकलता है वो सीधा सीवर के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं और इनका जाल पूरे शहर में बिछा हुआ होता है। इन बड़े बड़े पाइपों के ऊपर कहीं कहीं एक ऊपर से खुला रखा जाता है ताकि इनके इनकी सफाई की जा सके। तो जमीन, वैसे तो ये जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका ऊपर से खुला हुआ होता है और एक ढक्कन लगा होता है। ढक्कन को उठा के पाइप के अंदर जाके पाइप की सफाई की जा सकती है। तो ये जो सीवर के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, ये जगह जगह लगे हुए होते हैं, इन ढक्कन को मैन होल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन होल। तो ये जो सीवर हैं, ये सब एक साथ इकट्ठे होकर बहुत बड़े सीवर में जाके मिलते हैं, और वो बहुत बड़ा सीवर फिर आखिर में नाले में जाके गिरता है, और वो नाले का पानी नदियों में जाता है। लेकिन इस पानी को नाले में गिरने से पहले इसका उपचार किया जाता है। तो ये जो सीवर का पानी है, शहरों में जो सीवर का पानी बन रहा है, ये सीधा नाले में जाके नहीं गिरता या सीधा नदी में नहीं जाता। इसको वहां जाने से पहले एक ऐसी जगह पर लेके जाया जाता है जहां इसकी सफाई होती है। उस जगह को बोलते हैं मल स्त्राव संयंत्र, सीवेज प्लांट, सीवरेज प्लांट। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, मल स्राव संयंत्र, सीवरेज प्लांट। इस मल स्राव, ये बहुत बड़ी जगह में होता है, और यहाँ पे ये सारे जितने भी आसपास के सीवर होते हैं उन सब का गंदा पानी यहाँ पर आता है, और यहाँ पर उस गंदे पानी को साफ किया जाता है। जब ये पानी साफ हो जाता है, फिर वहां से उस पानी को नाले के अंदर या नदी के अंदर छोड़ा जाता है, ताकि जब पानी नदी के अंदर जाए तो नदी के अंदर तो पीने का पानी होता है ना? तो जब वो पानी नदी के अंदर जाता है साफ करने के बाद, तो वो पानी नदी के पानी को गंदा नहीं करता और फिर उससे बीमारियां नहीं फैलती। ठीक है, तो समझ में आया शहरों में कैसे सीवर होते हैं और कैसे पानी साफ होता है? तो अब हम देखते हैं कि सीवरेज प्लांट, जो ये मल स्राव संयंत्र है, ये कैसे पानी साफ करता है। जब सीवर का पानी सीवरेज प्लांट में आता है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी लोहे की जाली लगी होती है, बहुत बड़ी लोहे की जाली। तो उस जाली में पानी के अंदर जो भी कचरा होता है, कपड़ा होता है, प्लास्टिक होता है, या फिर बड़ी बड़ी चीजें कचरे के अंदर आ जाती हैं, वो सब उस जाली में फंस जाता है।
तो ये सब कचरा प्लास्टिक एक तरफ रह जाता है और पानी दूसरी तरफ निकल जाता है, तो पानी थोड़ा थोड़ा छन जाता है, साफ हो जाता है, पूरा साफ नहीं होता अभी। ये जो है ये एक प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक मतलब पहला, सबसे पहला काम यही होता है प्राथमिक उपचार, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा सफाई आ जाती है पानी में। पानी को लोहे के जाल पे डालते हैं और ये कपड़ा प्लास्टिक बड़े बड़े टुकड़े कचरा सब प्लास्टिक लोहे के जाल पे रुक जाता है, पानी पार हो जाता है। इसके बाद इस पानी को एक अवसादन टैंक, बहुत बड़ा टैंक होता है, बहुत ही, उस टैंक में डाल देते हैं। उस टैंक को बोलते हैं अवसादन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में आपने देखा है कि पानी को आप बाल्टी में रख दो और पानी अगर मिट्टी वाला है या पानी रेत वाला है तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, रेत नीचे बैठ जाती है ना। तो ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है, ये जो अवसादन टैंक है, इसमें भी वही होता है। इसमें पानी को डाल के रख देते हैं, ये बहुत बड़ा टैंक होता है, तो कुछ गंदगी तो लोहे के जाल में रह के साफ हो गई। उसके बाद जो गंदगी बचती है वो नीचे बैठने लगती है पानी के अंदर, तो वो गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, ऊपर का पानी थोड़ा सा साफ हो जाता है। फिर उस साफ पानी को उस सेडिमेंटेशन टैंक से, उस अवसादन टैंक से बाहर निकालते हैं। तो पानी के अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, बालू होती है, ऐसी ऐसी जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, और इस गंदगी को बाद में बाहर निकाल के इसको, जो कीचड़ बचता है इसको बाहर निकाल के इससे फिर बाद में बायोगैस बनाई जा सकती है। बायोगैस को हम अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने के लिए। तो ये जो कीचड़ नीचे बच जाती है सेडिमेंटेशन टैंक में, जो नीचे कीचड़ बैठ जाती है, इसको प्राथमिक कीचड़ कहते हैं। जो इसका मतलब है कि जो सबसे पहली कीचड़ जो पानी से निकली है वो यहाँ से निकलती है, इसको प्राथमिक कीचड़ कहते हैं। और इस कीचड़ को अगर जीवाणुओं से मिला दिया जाए, एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब कि जो बिना ऑक्सीजन के इस कीचड़ को बायोगैस में बदल देते हैं, तो इससे गैस बन जाती है और उसके बाद जो बचता है उसको अपने खेतों में उर्वरक के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब खेतों में हम खाद डालते हैं ना, आपने देखा है खेतों में गोबर की खाद डाली जाती है। तो वो गोबर क्या होता है, वो भी तो एक तरीके का एक तरीके की गंदगी ही है। तो जैसे गोबर की खाद बनती है ना, वैसे ही ये पानी में जो नीचे कंकड़ बालू और ये जो गंदगियां बैठ जाती हैं, ये जो प्राथमिक कीचड़ होता है, इसको भी खाद जैसे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तुरंत नहीं डाला जाता, थोड़े टाइम बाद डाला जाता है। इससे पहले बायोगैस बनाई जाती है और जो बाद में बचता है उसको खाद के जैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे गोबर को भी तुरंत नहीं डालते, उसको पहले खुला छोड़ देते हैं बहुत टाइम तक, उसके बाद उसको खाद बनता है और फिर वो खेतों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ में आया इतना? ये तो है प्राथमिक उपचार कि सबसे पहले तो ये काम करते हैं। हमने क्या किया कि गंदा पानी आ रहा है उसको एक बड़ी सी लोहे की जाली पे डाला, तो जो पानी के अंदर बड़ी बड़ी गंदगी थी वो सब उसमें अटक गई और पानी छन के साफ बाहर निकल गया। फिर उस निकले हुए पानी को एक बहुत बड़े टैंक के अंदर डाल दिया, उस टैंक को सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, अवसादन टैंक। और उस टैंक के अंदर, पानी के अंदर जो छोटी छोटी गंदगी थी, जो कंकड़ बालू और बाकी अशुद्धियां थी, वो नीचे बैठ गई, ऊपर का पानी थोड़ा साफ हो गया, तो पानी को निकाल दिया। और ये जो नीचे बैठ गई गंदगी, इसको बोला गया प्राथमिक कीचड़। इस प्राथमिक कीचड़ से अलग निकाल के इससे बायोगैस बनाया गया और खेतों में खाद के जैसे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। आगे समझ में? प्राथमिक उपचार में क्या किया हमने, इतना समझ में आ गया सबको?
ठीक है, तो ये हो गया पहला उपचार। अब इसके बाद होता है दूसरा उपचार। तो ये सब होने के बाद क्या करना है? ये सब होने के बाद जो पानी सेडिमेंटेशन टैंक में था, जिसकी गंदगी नीचे बैठ गई थी, उस पानी को बाहर निकाला जाता है और उसको एक दूसरे टैंक में डाल दिया जाता है। उस दूसरे टैंक को बोलते हैं वातन टैंक। ये बहुत बड़ा टैंक होता है। इस टैंक में क्या होता है कि उस पानी को कुछ जीवाणुओं से मिला दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, जो अंदर कार्बनिक पदार्थ थे, जैसे कि फल सब्जी के टुकड़े थे या फिर बाकी गंदगियां, ये उसको सड़ा के उनको खत्म कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु जो हैं, ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उन चीजों को खत्म करने के लिए, उन चीजों को ऑक्सीकृत करने के लिए, उन कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को ऑक्सीजन से मिलाया तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो इस द्वितीय उपचार में उस पानी को एक बड़े से टैंक में डाला जाता है, उसमें कुछ जीवाणु मिलाए जाते हैं, और वो जीवाणु उस पानी के अंदर जो कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, उन कार्बनिक अशुद्धियों का ऑक्सीकरण कर देते हैं ताकि वो अशुद्धियां खत्म हो जाएं। इसके लिए पानी को सारी ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, इसके लिए उस पानी के अंदर एक छोटा सा फवारा भी लगा देते हैं। वो फवारा पानी को घुमाता रहता है, या एक बड़ा सा लोहे का रख दिया जाता है, वो ऐसे करके पानी को हिलाता रहता है ताकि पानी में ऑक्सीजन जाती रहे और वो जीवाणु ऑक्सीजन की मदद से उस पानी के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी अशुद्धियां हैं, उनको खत्म करते रहे। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर से पानी में नीचे कीचड़ बैठ जाता है, जैसे पहले कीचड़ बैठा था ना, वैसे ही पानी में फिर से नीचे कीचड़ बैठ जाता है। तो इसको बोलते हैं द्वितीयक कीचड़। पिछले वाले को बोला था प्राथमिक कीचड़, क्योंकि वो पहला कीचड़ निकला था। अब दोबारा फिर से कीचड़ निकलता है, इस कीचड़ को बोलते हैं द्वितीयक कीचड़। इस द्वितीयक कीचड़ को, इस दूसरे कीचड़ को भी उसी तरीके से बायोगैस बनाने के लिए और खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हो गया दूसरा। अब ये सब होने के बाद एक तीसरा काम और किया जाता है, उसको बोलते हैं तृतीयक उपचार। अभी तक हमने पढ़ा था द्वितीयक उपचार, जो दूसरे नंबर का होता है, अब है तृतीयक उपचार। तीसरे नंबर पे क्या करना होता है? इस तृतीयक उपचार में ये जो दूसरा कीचड़ निकालने के बाद जो पानी बच जाता है, उस पानी को एक दूसरे बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये पानी काफी हद तक साफ हो जाता है, इसको दूसरे टैंक में डाला जाता है और इसके अंदर क्लोरीन डाल दिया जाता है। इस टैंक को बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक, क्योंकि इसमें हम क्लोरीन डाल रहे हैं, इसलिए इसको क्लोरीनेशन टैंक बोलते हैं। क्लोरीन क्या होता है? पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीव और जीवाणु होते हैं, जिनसे बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था हैजा या टाइफाइड या पीचेस, तो ये जो बीमारियां करने वाले जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं को क्लोरीन मार देता है। तो इसीलिए इस पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है इस क्लोरीनेशन टैंक के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? मैं रिपीट करता हूं। तो हमने पढ़ा कि पानी का उपचार एक तीन बार में होता है, तीन अलग अलग तरीके करने पड़ते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले करना पड़ता है प्राथमिक उपचार। सीवर का जो गंदा पानी आता है, उसका सबसे पहले प्राथमिक उपचार करना पड़ता है। इस प्राथमिक उपचार में पानी को एक बड़ी सी लोहे की जाली के ऊपर डालकर छाना जाता है। इससे पानी के अंदर जो भी अशुद्धियां होती हैं, या प्लास्टिक के टुकड़े, बड़े बड़े कपड़े, जो बड़ी बड़ी गंदगी होती है मोटी, वो
वो एक तरफ छत के निकल जाती है और पानी दूसरी तरफ निकल जाता है। फिर इस पानी को एक बहुत बड़े टैंक में डाला जाता है जिसको सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं। उस पानी में जैसे रेत नीचे बैठ जाती है ना पानी में, तो पानी के अंदर की गंदगी नीचे बैठ जाती है। इस नीचे बैठी हुई गंदगी को प्राथमिक कीचड़ कहते हैं। इस प्राथमिक कीचड़ को बायोगैस बनाने के लिए या खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ऊपर जो पानी बह जाता है उसको अलग निकाल के उसको द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। द्वितीयक उपचार में इस पानी को एक दूसरे टैंक में डाला जाता है जिसको एरेशन टैंक बोलते हैं। एरेशन का मतलब होता है कि पानी में हवा डालना। तो उस एरेशन टैंक के अंदर पानी के अंदर कुछ जीवाणु डाले जाते हैं जो कि पानी की कार्बनिक अशुद्धियों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, मतलब कि उन चीजों को सड़ा गला के खत्म कर देते हैं और वो अशुद्धियां पानी में नहीं रहती। ये सब करने के बाद इस पानी की अशुद्धियां भी नीचे बैठ जाती हैं और दोबारा कीचड़ बनता है। इस कीचड़ को द्वितीयक कीचड़ बोला जाता है, दूसरा कीचड़। इस द्वितीय कीचड़ को भी बायोगैस बनाने के लिए या खेतों के लिए खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब होने के बाद इसको फिर आगे तृतीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। तृतीयक उपचार के लिए इस पानी को, जो कि काफी हद तक साफ हो चुका है, इसको एक और बड़े टैंक में डाला जाता है जिसको क्लोरीनेशन टैंक बोलते हैं। इस टैंक में पानी के अंदर क्लोरीन मिला दिया जाता है और क्लोरीन से पानी के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं या छोटे छोटे जीव होते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं वो मर जाते हैं। ये तृतीयक उपचार करने के बाद पानी बहुत साफ हो जाता है और इसके बाद इस पानी को नदी के अंदर डाला जाता है ताकि ये पानी नदी के पानी को गंदा ना करे। ठीक है, आगे समझ में कि पानी का उपचार कैसे किया जाता है। यहाँ पे जैसे ये चित्र दिखा रखा है इन्होंने, आपके झारखंड में रुक्का के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसके कुछ फोटो दिखा रखे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट मतलब ये जहाँ पे ये सब होता है ना, पानी साफ होता है, उसको फिल्ट्रेशन प्लांट बोलते हैं। तो ये उसका एक फोटो दिखा रखा है। इतना समझ में आ गया पार्ट सबको? घर पे जाके पढ़ोगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।